कल के डेट में समाज में बच्चा का मुंह नहीं देख मुंह देखा लायक नहीं रहेगा, की कहेगा बिना बाप के बच्चा, उससे अच्छा है कि आत्महत्या कर ले। शुरुआत में कोई भी लोग हो इंसान को बहुत प्यारा लगता है, उसे इतना पसंद आता है कि वो अपने माँ बाप अपने परिवार अपने दोस्त यार सबको भूल जाते हैं और सिर्फ एक लड़का या एक लड़की के चक्कर में पड़कर अपना जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जब ये बाबू हो गया था तो वो मिलने आया था। एक दिन पहले प्रशासन पकड़ के उसको लाया गया था, उसको 20 अप्रैल को पकड़ के लाया, 21 अप्रैल को बाबू हुआ, 22 अप्रैल को जेल में गया। अच्छा, 20 अप्रैल को प्रशासन उसको पकड़ कर लाया, 21 अप्रैल को ये बाबू हुआ, 22 अप्रैल को वो जेल चला गया। जी, ये प्यार करके आपको क्या बाबू बहन है ये तुम्हारी? जी। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार। सोनू कुमार, ये बाबू कौन है तुम्हारा? भेगना लगा मेरा। भेगना है। अच्छा, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि मेरा बाबू का पापा आ जाए। ये तुम्हारी भेगना का पापा आ जाए, यही चाहते हो? इसलिए दीदी के साथ घूम रहे हो हर जगह। इंसाफ चाहिए, दीदी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। आप देखिए समाज में इसका प्रभाव कितना बुरा पड़ेगा, सोचने की बात है। शादी से पहले बच्चा होना, और हर लड़की लड़का कहीं ना कहीं जब इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगेगा पूजा गलत है। कोई भी यही सोचेगा जो पूजा गलत है, क्योंकि पूजा ने गलती की है। पूजा आप यही चाह रहे हैं जो अब हम उस लड़के के साथ रहे? हम चाहते हैं लड़के के साथ रहे, बल्कि सुना है उसका भी शादी होने वाला, उसका शादी होने वाला जी, दोबारा दूसरा शादी कर रहा है, तो फिर मेरा जिंदगी क्या होगा? जिस टाइम आपसे प्रेम कर रहा था, प्यार कर रहा था, बातचीत कर रहा था, उस टाइम तो अच्छा थे हम, अभी हम खराब है। अभी आप खराब हैं जी, क्या कीजिएगा? हम क्या करेंगे, अगर नहीं होगा तो आत्महत्या कर लेंगे माय बेटा दोनों। आत्महत्या कोई निदान है क्या? तो क्या करेंगे, नहीं ये सब नहीं निकलेगा समस्या का, तो हम यही नहीं करेंगे। आत्महत्या तो कोई निदान नहीं है, क्या करेंगे मैम बताइए आप ही। जब कल के डेट में समाज में बच्चा का मुंह नहीं देख मुंह देखा लायक नहीं रहेगा, की कहेगा बिना बाप के बच्चा, उससे अच्छा है कि आत्महत्या कर लेंगे। आप पूजा इतना ही चाह रही है कि हम अपने पति होने वाले पति, क्योंकि शादी नहीं हुआ है तो पति भी नहीं हुआ, अपने लवर अपने प्रेमी के साथ हम रहे, और ये बच्चे के सर पर से जो पिता का साया हट गया है, इसे लोग नाजायज औलाद ना कहे, वो लड़का इससे शादी कर ले, इसके साथ रहे, बस पूजा इतना ही चाह रही है। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से बात कर रही हो, या कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा हो, तो मत कीजिए। ये प्यार व्यार होता नहीं है, सच्चाई बस इतना ही है कि लोग हवस को मिटाने के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पूजा का लवर पूजा का प्रेमी पूजा का इस्तेमाल किया है ना पूजा जी। हम इसी यही बोलेंगे लड़की लोग से कि बात नहीं करे, बात नहीं करे जी, हाथ आँख मुन के गिन अथी नहीं करे, विश्वास नहीं करे कोई लड़का पे, कोई लड़का पे विश्वास ना करे जी। अगर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप ही जैसा स्थिति उनका भी हो जाएगा। जी मेरा ही तरह हो जाएगा अगर विश्वास करेगा तो, हम लोग हो गए ना माई बेटा दोनों। देखिए आँख में आंसू भरा है, और जैसा ये अपना कर्म की थी उसका फल कहीं ना कहीं इनको मिल रहा है। इस बच्चे को इंसाफ चाहिए, ये जो किए उसका तो फल इनको मिल रहा है, लेकिन इस छोटे से नन्हे से बच्चे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो लड़का इनका इस्तेमाल किया और ये इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया, बाप का साया इस बच्चे के सर पर से हट गया, रहते हुए बाप जिंदा है लेकिन उसका बच्चे के सर पर से बाप का साया हट गया, कहीं ना कहीं इनके कारण और इनके जो लवर हैं इनके जो प्रेमी हैं उसके कारण इस बच्चे को सुनना पड़ेगा। समाज के लोग इन्हें सुनाएंगे, गाली देंगे, क्योंकि ऐसा कर्म इनकी माँ की है, इनके पिताजी की है, जो पिताजी इनके हैं थे और रहेंगे वो पिताजी की है कि नहीं पूजा जी? डीएनए टेस्ट करवाए? हाँ, हम तो रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट प्रशासन के पास था। प्रशासन के पास जी? आपके पास नहीं है? नहीं मेरे पास नहीं है, वो कोर्ट में जमा किए प्रशासन, कोर्ट में जमा किया जी। बस रिक्वेस्ट इतना ही है, निवेदन इतना ही है कि कभी भी अगर प्रेम के जाल में आप लोग फंसते हैं तो आप लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जैसे आज पूजा रो रही है ऐसे ही रोइएगा, इसलिए कभी भी ये प्यार के जाल में प्रेम के जाल में नहीं फंसिए। पहले इनको भी कहा जाता था मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, लेकिन आज इनका जिंदगी बर्बाद हो गया। पूजा जिंदगी बर्बाद हो गया क्या? जिंदगी बर्बाद, उससे भी खराब हो गया मेरा जिंदगी, बर्बाद खराब हो गया, जिंदगी खराब ही हो गया, लाइफ मेरा खराब हो गया। क्या कहेंगे, क्या समाज में मुंह दिखाएंगे? उन्होंने अभी मेरा गार्जियन टाइट तब ना मेरा रख लिया, और दूसरा गार्जियन रहता तो हमको घर से निकाल, तब हम कहाँ जाते? अभी ठीक है, अभी तनिक बच्चा है नहीं बोल रहा है कुछ, कल के डेट में भगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ। किधर के रास्ता देंगे? आपके पिताजी भी कुछ नहीं बोले? मेरा पिताजी मतलब सोचे कि मेरा घर में एगो बेटी एगो बेटा, इसको कैसे हम भगा दें। इसलिए मेरा पिताजी गलती करने के बाद भी आपके पिताजी आपको स्वीकार किए, आपको रखे अपने घर, इसलिए रखे हैं कि मतलब ये सब तो बोला है कि शादी करवा देंगे तो चल भाई शादी करवा देंगे, रख अपन घर रहेंगे। ये तो नहीं पता था कि ये सब बाद में छल करेगा मेरा सब, लड़का इस्तेमाल करके छोड़ देगा जी।
ऐसा ही है ना। हाँ, ये तो नहीं सोचा था कि मतलब रखेगा कि नहीं रखेगा, अच्छा अथी करेगा कि ना, ये तो नहीं पता था किसी को। ये पता था कि हाँ ये सब बोला है, पंचायती और बैठा, शादी ब्याह करा देगा, अपना घर रहेगी। नहीं तो औसन सोचता था हमको घर से निकाल देता, हम कहाँ के रहते अभी, कहीं के रहते? अगर कल के डेट में निकालिए देगा तो हम कहाँ रहेंगे? आज के डेट में आप कहीं के हैं? कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं, तब तो यहाँ तक लाए हैं। और 2 साल पहले वही लड़का, लड़का का नाम क्या था? बिहारी कुमार साह। बिहारी कुमार, 2 साल पहले बिहारी आपको बहुत सारा बात कहता, बहुत ज्यादा क्या कहता था? बोलते था कि बहुत बात बोलते था, रखेंगे फलना चिलना। हम भी सोचे सही में रखबे करेगा, शादी करिए लगा दोनों कष्ट के। वो कहता होगा जो हम तुम्हारे जिंदगी को खुशहाली से भर देंगे, इतना खुशियां देंगे कि तुम दुनिया के सारे लोगों को भूल जाओगे। यही बात होता है शुरुआत में, कोई भी लोग हो या कोई भी नशा हो, इंसान को बहुत प्यारा लगता है, उसे इतना पसंद आता है कि वो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने दोस्त यार सबको भूल जाते हैं और सिर्फ एक लड़का या एक लड़की के चक्कर में पड़कर अपना जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही पूजा भी की है और आज पूजा अपने बच्चे को गोद में लेकर भटक रही है, लेकिन कोई रास्ता इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि जो प्रेमी इनका था इनको छोड़ दिया है। कितने महीना का बच्चा है? 5 महीना का। 5 महीना का। जब ये बाबू हो गया था तो वो मिलने आया था, इसका बाप मिलने आया? एक दिन पहले प्रशासन पकड़ के उसको लाया गया था, उसको 20 अप्रैल को पकड़ के लाया, 21 अप्रैल को बाबू हुआ, 22 अप्रैल को जेल में गया। अच्छा, 20 अप्रैल को प्रशासन उसको पकड़ कर लाया, 21 अप्रैल को ये बाबू हुआ, 22 अप्रैल को वो जेल चला गया। जी, ये प्यार करके आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और जब यहाँ पे आया मेरा घर के सामने में प्रशासन, जब हमको बाहर नहीं निकलना था, प्रशासन और सब आया, मेरा मतलब इसका दादी भी सब पूरा फैमिली आया कि आप शादी एक हफ्ता के बाद शादी करा देंगे, तो फिर ये पता नहीं क्या लिखा नहीं लिखा, हम लोग को पढ़ने लिखने नहीं आता है, प्रशासन क्या लिखा नहीं लिखा, बात को मैनेज करा दिया, बात खत्म, और उसको जेल भेज दिया और वो लोग अपना घर गए। देखिए कितना बुरा अंजाम होता है प्यार करने का। ये पूजा है और पूजा ट्रेन में खीरा बेचती हैं और इनका जो लवर है, इनका जो प्रेमी है, वो फल बेचता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि ये बाबू हो जाता है शादी से पहले और ये आज दर दर भटक रही है, इनके हाथ कुछ नहीं लगा, जिंदगी बर्बाद हो गया है। और बस ये इतना ही रिक्वेस्ट कर रही है, अगर इस वीडियो को इनका प्रेमी देख रहा है तो इतना ही रिक्वेस्ट है उनसे कि आइए अपनी प्रेमिका से, जिनसे आप मीठा मीठा बात करते थे और उनके जिंदगी में खुशियां लाने की बात करते थे, तो आइए अपनी प्रेमिका से शादी कीजिए और इनका जिंदगी अच्छा कर दीजिए और अपने घर को बसा लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।